Assalamualaikum guys, मैं हूं शुभम गदर अपने नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग जो है जनाब, हमारा ये गाड़ियों का शोर आप लोगों को हसल बसल नजर आ रही है, इससे फेड अप हो गया। हम लोग गांव जा रहे हैं, गांव का विजिट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी एक व्लॉग बनाया था जो कि विलेज के बारे में था, लेकिन ये जो विलेज है ये जनाब थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डेजर्ट विलेज है और सुनने में इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के दोस्त वहाँ पे रहते हैं और वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे बारिश जो है कभी कभार होती है, मतलब पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती है, उसकी एक एक बूंद बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन अभी उन लोगों ने जब हमसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने हमें इन्विटेशन दी कि आप लोग आएँ, वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, तो हम लोगों ने कहा कि यार चले वहाँ का टूर करते हैं और देखते हैं कि जब डेजर्ट में बारिश होती है तो वहाँ पर फिर जो नई जिंदगी है वो किस तरह से पनपती है, किस तरह का वहाँ का सीन होगा डेजर्ट में बारिश की वजह से। तो एक तो विजिट हम लोगों ने डेजर्ट विलेज का करना था, दूसरे नंबर पे मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उन्होंने अपना घर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की है, उसकी वजह से भी वो हमें बार बार इन्वाइट कर रहे थे। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं और ये सात बच्चे हैं मेरे, बच्चों का से हेलो बेबी, आगे से शर्ट निकालें। ये बच्चे भी रेडी हुए हैं, बच्चों की भी ड्रेसिंग आप लोग देखें और ये मेरी भी ड्रेसिंग देखें, मेरा बैग भी देखें, मेरा ड्रेस भी देखें और अच्छा लग रहा होगा। और ये जनाब, ये मेरे हस्बैंड मेरे ड्राइवर को भी देखें, ठीक है। तो अभी हम लोग जनाब ये हैं मोटरवे पे जो कि 90 की दहाई में यहाँ पे बना था, नवाशीफ के दौर में जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, मैं उन लोगों को बता रही हूँ मेरे इंडियन सब्सक्राइबर वगैरह, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो पता है। तो यहाँ का अब हम इस टूर के दौरान जो जो पॉइंट्स आएंगे, जो आप लोगों को बताने वाली चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, ठीक है। सीन देखें यार, देखें मोटरवे, एक तो साफ सुथरा रोड, दूसरे नंबर पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये आपको हमारी फ्रंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे ड्रॉप्स, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और हम लोग मोटरवे से जाने का मकसद ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, ट्रैफिक जैम नहीं होती, देर से चले जाते हैं लेकिन हम लोग पहुँच जाते हैं ईजीली। सरगोधा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये ट्रीज नज़र आए हैं। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे सर्दियों में आए थे और यहाँ पे ना ऑरेंज लगे हुए थे, ऑरेंज ट्रीज है थे, तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार आप लोगों को रोक के ना मैं ज़रा दिखा दूँ। वो देखें, वो एक ऑरेंज कलर का नज़र भी आ रहा है, ये देखें थोड़ा सा ही यहाँ पे मिल रहा ऑरेंज है। ये देखें कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखें, ये जाइना ने भी, मेरी बेटी ने भी पकड़ा हुआ है। अभी हम साईवाल की तरफ जा रहे हैं, ये साईवाल का रोड है। तो हम लोग सॉन्ग्स लगे हुए थे, गानों में हम लोग मगन थे कि एकदम रोड पे मेरी नज़र पड़ी, मुझे ये टर्टल नज़र आया, ये देखें, और ये डर के ना बिल्कुल रिंगता हुआ आ रहा था। हम लोगों ने गाड़ी बैक की है और ये देखें इतना बड़ा टर्टल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये पास जोहड़ है, ये इस साइड पर मेरे ख्याल में उधर से रिंग के इधर तक आ रहा था। और ऑटर भी, हम लोगों ने ऑटर भी देखा था यहाँ पे ना रास्ते में लास्ट में। मैंने नहीं रखना, ये पकड़ा, ये पकड़ा। हाँ रोड पे ये देखें, ये शुक्र है बच गया, अभी अंदर चला जाएगा।
टारगेट किसी गाड़ी के नीचे, हाँ किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। अब हम नूरपुर थल में एंटर हो चुके हैं, उसी रास्ते पे हैं। तो ये रास्ते में अब ये देखें सहरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, और दूर दूर पर आप लोगों को जो ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये यहाँ पे जो थोड़ी बहुत बारिशें हुई हैं उसकी वजह से है, ये अब्र रहमत की वजह से ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। और ये मिट्टी देखें, नहीं तो यहाँ पर सुना है कि कितने कितने साल बारिश ही नहीं होती, लेकिन इस साल सुना है कि यहाँ पे बारिश हुई है और हर तरफ देखें रेत ही रेत है। और यहाँ पे मोस्टली काला चना और सब्ज़ और सफ़ेद चने की फसलें होती हैं, वो छोटी छोटी मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, वो छोटे छोटे जो ग्रीन ग्रीन से हैं ना, आगे जाके भी नज़र आएंगी। और दूर दूर तक कोई चरिंद परिंद भी नहीं है, घर भी दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। ये रेत और मिट्टी मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये नमी नज़र आ रही है, ये बारिश का क्रिस्म है जिसकी वजह से हल्की सी नमी है, नहीं तो ये बिल्कुल इसी तरह से रेतली रहती है। इस मिट्टी को ही, इस रेत को एंजॉय करने के लिए हम इतनी दूर से हसल बसल को छोड़ के ये सहरा देखने आए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये मोमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ के सहरा में किस तरह से ज़िंदगी जो है आगे पनपती है, जब बारिश होती है तो किस तरह से वहाँ का सीज़न होता है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें सबा मुकद्दस को, एंटी द नेक्स्ट वीडियो और भी मज़ीद वीडियोस मैं बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊँगी। एंटी द नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बहुत देर हो चुकी है।